नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं पिक्सल कैम प्लस गूगल कैमरा के लिए बेस्ट XML फाइल के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के ऊपर जो पिक्सल कैम प्लस का जो बिल्ड है इशू किया है ना, ये जो XML फाइल है ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ काम कर जाएगा। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के ऊपर, रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर ये जो पिक्सल कैम प्लस का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। नाउ सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो पिक्सल कैम प्लस गूगल कैमरा का जो बिल्ड है प्लस ये जो XML फाइल है इसका डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर XML फाइल प्लस इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ बात कर लेते किस तरह से XML फाइल को इम्पोर्ट करना होगा। सिंपली ये जो पिक्सल कैम प्लस गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर लिप पैचर करके एक ऑप्शन देने को मिलेगा। इस ऑप्शन में जाके स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव करके एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेव एक्सेल में टैप करके यहाँ पर जो ओके में टैप करना होगा। ओके में टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है फाइल मैनेजर में जाना होगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में अपने ये जो एक्सेल फाइल है डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके कॉपी में टाइप करके इंटरनल स्टोरेज में जाके एक पिक्सल कैम करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके प्लस करके एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। तो आपको सिंपली ये जो एक्सेल फाइल है इसे पेस्ट करना होगा पिक्सल कैम करके जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर, प्लस करके जो फोल्डर रहेगा उसके अंदर सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद फिर से गूगल कैमरा को रिलोड करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर 4:3 सेलेक्ट करना होगा। 4:3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इस तरह से डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद सिंपली इस तरह से एक UI देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है अपडेट का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद जो है आपके डिवाइस के ऊपर ये जो XML फाइल जो है यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है। तो बहुत ईजिली जो है सभी डिवाइस के ऊपर इस तरह से जो है XML फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो। नंबर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है इस XML फाइल के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर जो डीलिंग है काफी बढ़िया डिटेल फोटोज देने को मिलते हैं। तो फोटो के ऊपर जो रीलिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रीलिंग के ऊपर जो है इंक्रीज देने को मिलेगा इस XML फाइल के साथ। प्लस यहाँ जो है यहाँ पर मेन कैमरा फोटो के साथ जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो सेल्फी की अगर बात करें यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा के साथ सेल्फी के साथ भी यहाँ पर जो प्रॉपर डिटेल्स देने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सेल्फी के साथ भी काफी बढ़िया डीलिंग देने को मिल जाएगा। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, यहाँ पर जो है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, वीडियो का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। प्लस अगर बात करें यहाँ पर जो है इस XML फाइल के साथ आपको काफी बढ़िया जो है HDR मोड देने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है इस गूगल कैमरा के साथ। अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर जो है बाई डिफॉल्ट इस XML फाइल के साथ जो है HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है एनेबल है। प्लस ऑटो वाइट बैलेंस को ऐड किया गया है, पर ऑटो वाइट बैलेंस के साथ आपको यहाँ पर जो है नेचुरल फोटो देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है, कुछ फोटो को हम जल्दी से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जो है कुछ फोटो को डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पर जो क्लिक कर लेते हैं एंड देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर फोटो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड यहाँ पर ये जो गूगल कैमरा है फोटो सैम्पलिंग अगर बात करें कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ। देख सकते हो पर जो फोटो के ऊपर जो रीलिंग है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो काफी हद तक क्लोज टू नेचुरल फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर ज्यादा सैचुरेशन देने को नहीं मिल रहा है फोटो के ऊपर। एंड यहाँ पर जो रीलिंग है काफी बढ़िया है। एंड इस फोटो की अगर बात देख सकते हो पर जो रीलिंग है काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो है कार्ड के ऊपर भी ज्यादा सैचुरेशन देने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है पर प्रॉपर रीलिंग के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी यहाँ पर जो है सेल्फी के साथ भी काफी बढ़िया डिटेल फोटो देने को मिलता है। एंड डेफिनेटली जो पिक्सल कैम प्लस का जो बिल्ड है आप ट्राई कर सकते हो। एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ ये जो पिक्सल कैम प्लस गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर MIUI कस्टम रॉम के साथ भी काम करते हैं, 1UI के साथ भी काम कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हो। एंड फोटो क्वालिटी अगर बात करें तो अगर आप जो है यहाँ पर काफी बढ़िया जो है नेचुरल कलर के साथ डिटेल फोटो को चाहते हो तो आप ये जो XML फाइल है सब ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पर जो पिक्सल कैम प्लस के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर जो है इस गूगल कैमरा के साथ इंस्टेंट HDR मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो इंस्टेंट
HDR मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पिक्सल कैम प्लस के साथ, प्लस पर जो है Redmi Note 8 Pro डिवाइस के साथ भी ये जो गोल कैमरा का जो बिल्ड काम कर जाएगा। तो पर जो पिक्सल कैम प्लस के साथ Redmi Note 8 Pro डिवाइस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है ना, यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो पर लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। तो पर लिप पैचर को फिक्स किया गया है, बेसिकली पर जो लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो एंड यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस के ऊपर से अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो लिप पैचर के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली टेलीफोटो लेंस के लिए, वाइड एंगल लेंस के लिए अलग सेटिंग्स, माइक्रो लेंस के लिए अलग सेटिंग्स को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो लिप पैचर के लिए अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग जो सेटिंग्स में देने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो ऑक्सिली कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा पिक्सल कैम प्लस के साथ। यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस को भी फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ पिक्सल कैम प्लस के साथ, काफी बढ़िया बात है। जैसे इस गोल कैमरा के साथ यूजर इंटरफेस देने को मिलता है, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड पर फ्लैश का ऑप्शन है, यहाँ पर जो फेस रिटचिंग को ऐड किया गया है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, गोल का जो जीकैम का जो बिल्ड है उसको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा पोर्ट्रेट मोड के साथ। यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस को ऐड किया गया है, टाइमर का ऑप्शन है यहाँ पर जो है इससे भी ऑप्शन से। कैमरे की अगर बात करें पर कैमरे के साथ जो है पर HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस, टाइमर, पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहे है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। टाइम लैप्स की अगर बात करें यहाँ पर जो है अगर आपके डिवाइस का वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा तो यहाँ पर जो टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। अगर आप गूगल कैमरे के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन के साथ आप जो सिंपली 360 फोटो क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस पर जो पैनोरामा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो पैनोरामा का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पिक्सल कैम प्लस गूगल कैमरे के साथ, इस तरह से इसे भी ऑप्शन से। यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते हैं पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पिक्सल कैम प्लस 2.1 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है पोको F1 डिवाइस हो जाए यानी यहाँ पर जो है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ भी हमने यहाँ पर जो पिक्सल कैम प्लस का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर जो ट्राई करके देखा है। तो जो Redmi, Xiaomi, पोको, OnePlus, Samsung ए सभी डिवाइस के ऊपर जो पिक्सल कैम प्लस का जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर दीजिएगा, आप भी ट्राई करके देखो आपके डिवाइस को। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा। एनीवे पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले पर जो HDR मोड का ऑप्शन है, तो पर जो HDR मोड का ऑप्शन है, प्लस पर जो HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है पर पिक्सल कैम प्लस के साथ HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड पर जो HDR फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर जो आप 25 तक फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप HDR मोड को और फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तब से जो आप सिंपली यहाँ पर जो HDR फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस गोल कैमरा के साथ। यहाँ पर जो बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा के ऊपर जो अलग अलग पिक्सल मॉडल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, पर पिक्सल XL, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 4A का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है अलग अलग जो है पर पिक्सल डिवाइस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के ऊपर जो पिक्सल का जो अलग अलग डिवाइस है उसके साथ जैसा फोटो क्वालिटी देने को मिलता है एंड ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर DCI P3 कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होता है उसे डिजिबल करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर टच फोकस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस पर जो डिजिबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है पर HDR प्रोसेसिंग में इंप्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। तो जो HDR मोड के साथ फोटो को क्लिक करने के बाद ज्यादा अच्छे से ज्यादा फास्टर जो पर यहाँ पर इंप्रूवमेंट देने को मिलता है, ज्यादा फास्ट जो है पर HDR फोटो इंप्रूव हो जाएगा, ज्यादा फास्ट जो है HDR मोड जो है काम करेगा अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे डिजेबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद। एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा को जो है पिक्सल 2, पिक्सल 1, पिक्सल 4 जैसे पर जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो इस ऑप्शन अवेलेबल है पिक्सल कैम प्लस के साथ। एनेबल लिप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बेसिकली आपको हमने बताया था लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मेन लेंस, वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, माइक्रो लेंस, यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन है, जूम लेंस का ऑप्शन, बेसिकली यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। लिप पैचर के ऊपर अलग अलग सीरीज के ऊपर अलग अलग लेंस के ऊपर अलग अलग सीरीज को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मेन लेंस के लिए डिफरेंट सेटिंग्स, माइक्रो लेंस के लिए डिफरेंट सीरीज को आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन से
यहाँ पर मैक्स आईओएस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सैचुरेशन, लूमा, क्रोमा, नॉइस मॉडल का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो है आप मल्टीपल लेंस के ऊपर जो है अलग अलग सीरीज को अप्लाई कर सकते हो, लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी है इंक्रीज कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोल लेंस का सजेशन है ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकेएम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर पाओगे। यहाँ पर गेस्चर्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, आप सिंपली यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ फोटो क्लिक कर पाओगे, वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो, प्लस डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। पर ग्रिड टाइप के ऊपर 3x3 4x4 का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद गोल कैमरा के साथ अगर कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। या पर एडवांस सेटिंग्स को जो रॉ फोटोज का ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से सेटिंग्स में आके एडवांस सेटिंग्स में आके रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहते हो तो एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अगर आपके डिवाइस पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जो OS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, अगर आपके डिवाइस पर OS का ऑप्शन है तो यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ OS का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर जो डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस गोल कैमरा के साथ। आप जरूर से जो पिक्सल कैम प्लस गोल कैमरा कैपेबिलिटी सब ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग जीकेएम का जो वीडियो उसे आप चेकआउट करके देखो, इसलिए हमने गूगल कैमरा 8.7 के बारे में वीडियो अपलोड किया है, उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।